नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कोरोना के बीच शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल क्रिकेट के उत्सव की शुरुआत हो गई। आईपीएल 13 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग के बीच अबू धाबी में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग विजेता बनी। खाली स्टेडियम में जैव वातावरण के बीच 8 टीमें अगले 53 दिनों में 60 मुकाबले के लिए टकराएंगी, तो पूरी दुनिया की निगाह इस टूर्नामेंट पे होगी, न सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर भी। सही मायनों में जिन हालात में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में क्रिकेट का इससे बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं खेला गया। इस बार पूर्वांचल के दो जिलों भदोही और आजमगढ़ से एक एक क्रिकेटर अपने जौहर दिखाने के लिए मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 की तरफ से मैदान में उतरेंगे। चौकों और छक्कों की बरसात के साथ ही 2020 का लुफ्त लेने के लिए पूर्वांचल में भी दर्शकों का उत्साह चरम पर है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये दोनों हरफन मौला खिलाड़ी, जी हाँ आपने सही पकड़ा, भदोही के यशस्वी जायसवाल और आजमगढ़ के सरफराज खान। यशस्वी मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं, तो वहीं सरफराज खान किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे यशस्वी को, ये भदोही के रहने वाले हैं, और वहीं सरफराज खान यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अब जब ये पूर्वांचल के दोनों युवा बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे, तो चरम कितना तूफानी होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। यशस्वी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 की तरफ से खेलने उतरेंगे सरफराज खान। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब संयुक्त अरब अमीरात में पूर्वांचल की दहाड़ दिखेगी, तो हर कोई उस दहाड़ को देखने के लिए अभी से व्याकुल है, क्योंकि बल्ले से निकले हुए छक्के और चौकों को देखने के लिए हर एक पूर्वांचल वासी अभी से तैयार है। लगातार आईपीएल पे बना हुआ है और क्रिकेट के इस तूफानी सफर यानी कि आईपीएल 2020 को हर कोई जरूर देखना चाहेगा। फटाफट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में हर कोई अपने आप को जोड़े रखता है, तो देखना दिलचस्प होगा कि दुबई, शारजा और अन्य जगहों पर जब पूर्वांचल के इन दोनों युवाओं की बल्ले से निकले हुई दहाड़ दिखेगी, तो आलम कैसा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फटाफट क्रिकेट यानी कि आईपीएल 2020।